बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। एक्सप्लेन करना मुश्किल है, मतलब हल्द्वानी को फेल कर दिया यहाँ की गर्मी ने यार। मुझे लगता था हल्द्वानी में बहुत गर्मी है, बट कुवैत में इतनी ज़्यादा गर्मी है। एक्चुअली क्या है, हम लोग ऑफिस को सुबह निकल जाते हैं मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 6 बजे आते हैं, तब तक तो धूप बिल्कुल निकल चुकी होती है, तो गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। बट आज क्या हो रहा है, आज हम निकल रहे हैं, अभी कितना बज रहा है, 12-1 बज रहा होगा अभी यहाँ पे, तो इंडिया में ढाई घंटे का अंतर है, तो इंडिया में बज रहा होगा, यहाँ पे 12 बज रहा है तो इंडिया में 2:30 बज रहा होगा। तो भाई साहब यहाँ पे इतनी तेज़ कड़क धूप है, मतलब बाहर 2 मिनट भी अगर आप चल लो ना, कसम से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ पे। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, पहला नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मतलब बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आज था जैसे कि हर दिन की तरह ऑफिस नहीं जाना था, आज है सैटरडे तो आज हमारी छुट्टी है, तो मैं आया हूँ इधर लुल्लू मॉल, मतलब नाम यश्चंद मॉल हसन हसन घटा में पीड़ जाए, लुल्लू मॉल, मॉल का नाम है लुल्लू। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए, वाओ काफ़ी अच्छा व्यू है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि मैं जैसे ही आज सुबह ना, ये ब्लैक शर्ट जो मेरी दिख रही है, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी, इंडिया में मैं काफ़ी टाइम पहन चुका हूँ इसे, बट ना वहाँ पे क्या हो रहा था कि ये मुझे टाइट हो गई थी काफ़ी, और मैं इसे रिटायर भी करने वाला था, और क्योंकि ये इसकी ना बहुत अच्छी फिटिंग थी। तो यहाँ पे मैं इसको लेके आया कि यहाँ पे भी काम आ जाएगी, दोबारा पहनूंगा इसको। बट सीरियसली बताऊँ यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैंने जैसी आज सुबह ये डाली भाई, इतनी लूज़ हो रही है, ये वही पर्सनालिटी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये वही पर्सनालिटी है जिसकी दोस्तों तारीफ करा करते थे इंडिया में कि भाई कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, कुछ भी कपड़े डालो तो अच्छे सूट करते थे फिर। अरे कहना क्या चाहते हो। और यहाँ पे अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहा हूँ यार। जैसे ही सुबह मैंने ये शर्ट डाली, मैंने कहा ओ तेरी भाई, ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ मैं, कुछ भी कपड़े डालो सूट ही नहीं कर रहे, कसम से कह रहा हूँ मैं। तो अभी देखो क्या होता है, डाइट अच्छी और अच्छी लेनी पड़ेगी यार, डाइट से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वैसे यार, पर मुझे पहले जैसे पर्सनैलिटी वापस चाहिए बाबा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं लुल्लू मॉल में, और मैं थोड़ा आगे को जाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ पसंद आएगा तो हम उसे परचेज ज़रूर करेंगे, पर मुझे लग नहीं रहा, आज मूड ऑफ हो गया मेरा। तो दोस्तों ये पहुँच गए हम लुल्लू मॉल में, और मेरे साथ के पता नहीं कहाँ चले गए, अब मैं अकेले देखता हूँ मुझे कुछ पसंद आता है तो। वाव लॉस, काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ पे रखी हुई डील्स, बच्चों की साइकिल रखी हुई है। अगर एक साइकिल की हम बात करें 24KD, यानी कि ये 24KD और 900 फील्स की आई है। तो दोस्तों मॉल तो काफ़ी अच्छा है, बाहर से तो काफ़ी सही लग रहा है, अंदर जाके भी एक्चुअली सही लग रहा है, बट अंदर क्या चीज़ है वो देखनी पड़ेगी, और पसंद क्या आता है वो भी देखना पड़ेगा। एक्चुअली आज मैं कुछ भी प्लान करके नहीं आया हूँ यार, कुछ ख़रीदने करके देखते हैं, छोटा मोटा कुछ पसंद आता है तो, है ना। यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह लगी हुई है, ये सारी चॉकलेट्स हैं। तो दोस्तों वो लोग चले गए हैं सेकेंड फ्लोर पे, आई थिंक सेकेंड फ्लोर पे क्लोथ्स वगैरह का कुछ आइटम है, तो मैं भी ऊपर जाता हूँ, ऊपर देखता हूँ अगर कुछ पसंद आता है तो, है ना। तो चलिए ऊपर चलते हैं। आहो अभी मिस कर रहा हूँ मैं इंडिया के अपने फ्रेंड्स वगैरह को काफ़ी, जिनके साथ खूब ज़्यादा इन्जॉय करते थे, खूब ज़्यादा मज़ा आता था भाई शॉपिंग के लिए तो यार, सूरज भाई, चंदू, बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो मैं सेकेंड फ्लोर पे पहुंच गया हूँ, फर्स्ट फ्लोर देखते हैं यहाँ पे कुछ पसंद आता है तो। शॉर्ट्स ये देखो, ये सामने नज़र आ रहे हैं मुझे, सामने घूमने, और
यार लंच बॉक्स देखना था, लंच बॉक्स देखता हूँ। आई थिंक ये सारे लंच बॉक्स ही हैं, पसंद आने नहीं वाला कुछ मुझे यार, पसंद भी तो ऐसी है। नहीं कुछ पसंद आ रहा है। एक्सक्यूज मी, अब वेयर इज लंच बॉक्स? लंच बॉक्स यस प्लास्टिक बोथ दिस साइड ओके थैंक यू। तो दोस्तों अभी देखते हैं लंच बॉक्स अगर पसंद आता है तो प्लास्टिक या फिर वे ओके। ये भाई साहब ले जा रहे हैं मैं लंच बॉक्स प्लास्टिक ओके। ऑफिस परपज या दिस वन यार ऐसे कुछ दिख रहे हैं लंच बॉक्स। मुझे चाहिए थे तीन का जो एक बना होता है ना पेयर, थ्री इन वन, वैसा कुछ चाहिए था, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेट्स सी वो ग्लास वाले देखते हैं फिर वो कैसे हैं। यार लंच बॉक्स में कुछ पसंद नहीं आ रहा है अभी, देखते हैं अभी और कुछ। काम करते हैं शॉर्ट्स, कुछ अगर पसंद आता है वो देख लेते हैं, क्लोथ्स में देख लेते हैं कुछ ऑनलाइन सस्ते। वाह दोस्तों यहाँ पे लगाई हुई है वॉच जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है तो मुझे लगा कि आपको दिखानी चाहिए। और ये भाई साहब कितना इंचेस है ये स्मार्ट 4K एंड रेट का कहाँ पे लिखा हुआ है ओके 40KD का है ये 40KD इतना सस्ता कैश ब्लैक सॉरी 159 ये है आपका 50 इंच वो 40 इंच था एक्चुअली ये 50 इंच की है और इसका रेट है 159.900 यानी कि 159,900 यानी 159 KD का 160 KD समझ लो। अच्छा है ओवरऑल अच्छा है। ओह यार ऐसे तो बहुत टाइम लग जाना है ना, अभी घर जाके लंच भी बनाना है तो एक काम करते हैं जल्दी जल्दी पहले शॉपिंग जो कुछ देखते हैं पसंद कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है वाह तो फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ पसंद आता है तो वो देखते हैं। तो ऐसा कुछ 3KD का है ये 3KD का भाई साहब यानी 2x6 700 से भी ऊपर, मतलब ऐसा है ना कि अगर आपको यहाँ पे कुछ परचेज करना है कुछ भी अगर आपको ख़रीदना है तो आपको यहाँ पे उसको इंडिया के रेट में उसको कन्वर्ट ही नहीं करना है, मतलब कि अगर आप KD में ख़रीद रहे हो ना तो KD को आपको इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट ही नहीं करना है, अदरवाइज आपको लेने में हो जाएगी प्रॉब्लम क्योंकि उसका रेट चले जाएगा काफ़ी ऊपर। तो सिंपल से है जो पसंद आ रहा है ले लो यार, पसंद क्यों नहीं आ रहा कुछ भी, ऑप्शन नहीं दिख रहे ना बहुत ज़्यादा, ऑप्शन नहीं नज़र आ रहे मुझे यहाँ पे कि पसंद आ जाए। हम्म
ऐसा कुछ। टी शर्ट क्या करना है यार, टी शर्ट खरीद के भी इंडिया से इतने कपड़े लाए थे वो नहीं पहने अभी तक। कहाँ है एक तो दोस्तों ये सॉक्स पसंद आया मुझे, ये है 3-in-1 तीन का सेट है, ये तीन सॉक्स हैं इसमें अलग अलग डिफरेंट कलर में, और एक केडी का एक पेयर है इसका, मतलब तीन केडी का ये। एक तो ये पसंद आ गया है तो इसको रख लेते हैं, बाकी लंच बॉक्स तो पसंद नहीं आ रहा, क्या करें यार। यहाँ पे पूरे किड्स बच्चों का कलेक्शन रखा हुआ है बच्चों के लिए, मेरा तो दोस्तों सच में ना दिमाग ख़राब हो गया, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मुझे लेना था आज लंच बॉक्स, और लंच बॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, अब मुझे ना ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। और बाकी एक वाटर बोतल चाहिए थी वो भी, यार कलेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, लुल्लू जैसा नाम है साला वैसे ही मॉल है ये। तो दोस्तों अभी तो बाकी और चीज़ें देखते हैं, फिर कुछ पसंद आता है तो। लंच बॉक्स नहीं पसंद आ रहा है, मैंने अभी तक सिर्फ ये लिया है सॉक्स, और बाकी कुछ भी नहीं लिया भाई। यहाँ पे पूरे किड्स बच्चों का कलेक्शन रखा हुआ है बच्चों के लिए, तो एक जगह पे लंच बॉक्स और रखे हुए हैं, वहाँ पे देखते हैं लंच बॉक्स अगर पसंद आता है तो। मेरा तो मेन यही था कि आज लंच बॉक्स मिल जाए यार, लंच बॉक्स काफ़ी ज़रूरत है लंच बॉक्स की, पुराना लंच बॉक्स ख़राब हो गया मेरा। यहाँ पे है लंच बॉक्स, ये थोड़ा सा ये थोड़ा मोटा जैसा लग रहा है, कलर सारे सेम है इसमें, विजय था इसमें देखना कलर कौन सा है, ब्लैक है, ब्लैक है। नहीं नहीं जो अंदर ऐसे ब्लू है वो ब्लू है इसमें, कैसा है? नहीं ब्लैक है, ब्लैक है, देखना एक बार क्या ब्लैक है, बस को देखो मैं दिखाना अपन करके, ऐसे ही ये भी इसका बाहर का कवर भी सही लग रहा है, तीन है इसमें, दिखाना इसको ओपन करके कितना स्पेस अंदर, चार रोटी आ जाएगी, चार रोटी आ जाएगी, मैं तो तीन ही खाता हूँ ना। हाँ अच्छा है, सफिशेंट है, तीन है ना, एक में रोटी एक में सलाद आ जाएगा, क्या करना है लेना। हाँ बट ये कलर ब्लू की जगह दूसरा कलर है, ये जो ब्लू है सबके ब्लू ब्लू हो गए ना, सफिशेंट है मेरे लिए वैसे, एक में सैलेड आ जाएगा, एक में सब्जी आ जाएगी, एक में रोटी आ जाएगी, है ना, तो अच्छा है पकड़ने के लिए भी सही है, इसमें ऊपर से सब ब्लू है, ये ऐसा कुछ है दोस्तों, ये लंच बॉक्स जो मुझे पसंद आ गया है, देखते हैं अभी अभी कितने केडी का है। ये लंच बॉक्स है स्टील क्लिक 3+, क्या लिखा हुआ है भाई कहाँ पे है, इसका प्राइस है 4.750, 4KD 750 फील्स का, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कौन सा है लेडी, अच्छा हाँ ये तो गर्ल्स का ही है। तो फाइनली दोस्तों लंच बॉक्स आ गया पसंद, और जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही मिल गया, कुछ एग्जैक्ट तो नहीं मिला बट काम चला लेंगे कुछ टाइम, जब तक नया नहीं मिलता तब तक किसी से काम चलाते हैं। तीन है इसमें, ठीक है यार, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है पूरा फूड आइटम है यहाँ पे, वाह ये देखो दोस्तों चॉकलेट्स, चॉकलेट्स मेरी काफ़ी फेवरेट,
हुआ करती थी इंडिया में, यहाँ पे मन नहीं करता चॉकलेट खाने का। ये सॉरी। तो दोस्तों फाइनली हमने शॉपिंग तो कर ली है, अभी क्या रह गया है, अभी सब्जी वगैरह देखते हैं वीकली जो खरीदनी होती है पूरे हफ्ते भर की, और बाकी और देखते हैं कुछ पसंद आता है तो दोस्तों जितना भी आइटम लेना था जो पसंद आना था छोटा मोटा वो तो हमने बाई कर लिया है। अब बाकी रह गया है फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह जो हफ्ते भर की होती हैं, तो वो बाई कर लेते हैं। तो चलते हैं अब वेजिटेबल वाले सेक्शन में, यहाँ पे पूरी सब्जियाँ हैं तो यहाँ से देखते हैं कि सब्जी वगैरह में क्या चीज़ें अच्छी है, यहाँ पे देखते हैं उस हिसाब से सब्जी खरीदते हैं। और बाकी दोस्तों हरी सब्जियाँ काफ़ी पसंद हैं तो हरी सब्जी में देखते हैं अगर कुछ पसंद आता है तो। महंगी सब्जी बहुत महंगी, यहाँ पे सारी हरी सब्जी रखी हुई है, पालक, धनिया और ये है ऑनियन, प्याज, मेथी, हाँ ये मेथी है। तो सब्जियाँ हर तरीके की आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप जाते हैं बिल काउंटर पे और बिलिंग करवाते हैं कितने का बिल है, क्या क्या अलाउ दो, अपना भी दो। मेरा कुछ नहीं है। नहीं है, चलो यही है बस। हाँ तो अभी हम आ गए बिल काउंटर पे और देखते हैं अभी कितने का बिल बनता है। सॉरी, ओके ओके बेटा, क्यों 6 KD कितना बोला आपने? 6 KD 350। ओके थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली हो गई है आज की बहुत ही छोटी शॉपिंग थी मेरी, लंच बॉक्स एंड सॉक्स, और कुछ ही पसंद नहीं आया तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ पसंद आएगा तो नेक्स्ट वीक में जो छुट्टी रहेगी उस दिन जाएंगे अच्छे मॉल में जाएंगे। लुल्लू साला लुल्लू मॉल है ये, बेकार सा मॉल, कुछ पसंद ही नहीं आया यहाँ पे आज का दिन। जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं, बेकार गया यार। चलिए दोस्तों आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, बहुत ही छोटा था ब्लॉग पर जैसा भी था दिल से बनाता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए